दोस्तों जो आपने पूर्व में वीडियो देखा वो इन माताजी का था, इनके आज के समय में कलयुग की बेटे और बहू का जो बुजुर्ग माताजी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। खेत का कुछ मामला है, इन्हीं के साथ इनका बड़ा बेटा शामिल है और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इनसे बातचीत करेंगे कि पूरा क्या विवाद था, क्या मामला था जिसको लेकर इनकी बहू और बेटे के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। कि ना क्या नाम है माता जी? मेरो लब कयो है बलाऊ। तो छोटो बेटो थोर मारपीट करने वालो वीडियो आयो बड़ो, की कारण मारपीट मेरू आयो बाड मेरू की कारण मारपीट? वो कारण कई को नहीं, वो सैनियो बकी लेन वो कह के उसके ने धन को दिया नहीं उनने के एन मां कहेंगे सपोर्ट लेन, मैं तो कहीं सपोर्ट नहीं लू मां। वो सैनियो कह के मुदरा देऊ एन मैंने महीनो हो धमकी देनी के तन तू उड़ा देऊ तन तू मार देऊ के। वो सैनियो कह मैं कह भाई तू मने क्यों मारे, मेरा बेटा जाना नहीं जान तू मने क्यों मारे। तो मारपीट की नहीं जो कई जगह की नहीं और की कारण मारपीट भाई बिताया घरे हाकड़ा दिन नौ बजती ट्रैक्टर लेने आया मौका ती रू बो डोका उबाला रे एन मोलान ट्रैक्टर गाते हो मेर भी को खड़ूड़ो मेर भी के बढ़िया पड़ी डोका पड़िया तक है। मैं कह भाई मेर भी के मत लाई कणे मत गी कह मेर भी के तभी मत इधर ही ना कसरो कसरो धन खे ही मको तू तभी मत इधर आ तो कह रोड आगे मैं ऊँ किया मेरे कहे कड़े मत उबी मन खींच ट्रैक्टर गेट खींच ट्रैक्टर गेट गा ट्रैक्टर गेट है फोटो आ बड़ा वो मंटा है कोई पड़े को ना पी दीजी था ट्रैक्टर गेट ही ठोकी मारी ट्रैक्टर गेट पास पास हिर कई बेण आप बेटा आप बूट ले बूट पैर दो ये सड़ियो बूट पैर सड़ियो एत दूसरा जंप हुआ पड़िया बुआरी ठोकी भी शौक नहीं हूँ एक ही शौक नहीं हूँ। इनको सुला दो, देखिए इनका बेटा भी शामिल है, इनसे भी बातचीत करें। बच्ची रा कुड़ी कैमरा लैंड फोटो लैंड बच्ची रा कुड़ी पाए एक मेरो माँ बगीनो माँ बायरो दो ही तो लेना यो छोटो से दस भर को ए माँ ने मारो मती कभी लारे भाग्यो के जा आगो मर आगो मर जन मेरी पोती आई उनकी कहो के माँ ने मार मती बिंग लारे दौड़ूड़ो भेड़िया पड़िया है कोई नहीं गलती है बेटो घणो ही मेरो पण के करूँ बेटो है तो के करूँ। ठीक है इनको सुला दो, देखिए इनका बड़ा बेटा भी शामिल है, पूरी विवाद के बारे में जानेंगे कहाँ से विवाद शुरू हुआ था जिसको लेकर मारपीट की। हमारा अच्छा खासा घर चल रहा था, कोई कमी नहीं थी, मेरा भाई मेरे से दिनों दिन 12 साल छोटा है, मैंने इसको हाथ पकड़ करके धंधा सिखाया और 25 साल साथ में धंधे में रखा और हम राजी खुशी अलग हुए, कोई कमी कैसी नहीं थी। अभी चन्नाराम वकील ने 2-3 महीने से लगातार अभी 1 महीना हुआ है मेरी माँ को फ़ोन नहीं किया, बाकी रेगुलर फ़ोन करता था, धमकियाँ देता था, मैं तेरे को मरवा के ही रहूँगा। क्या कारण? वो क्योंकि उसका यही धंधा है, वकील है और खुद है जो कई कारणों से लिप्त है और उसको खुद को भी पहले लोगों ने मारा था पीटा था और खुद पहले से ही ऐसे झूठे मुकदमे पोक्सो के मुकदमे करवाना और पैसे कमाना उसका ये धंधा है और वो मेरी माँ को तीन महीने से लगभग आज महीना हो गया पहले फ़ोन नहीं किया उसे, 2 महीने से लगभग 1-1.5 महीने तक वो रेगुलर फ़ोन करता था, धमकियाँ देता तेरे को मरवा के ही रहूँगा। तो आज से 5-7 दिन पूर्व बाड़मेर शिवकर रोड पर मेरा मकान है महादेव नगर में, वहाँ जाके मेरी माँ के साथ में यही लेडीज जो आज मारने आई मेरी माँ की बहू होने वाली बाली देवी पत्नी रेवा राम, इसने मेरी माँ के ऊपर लाठियों से 4 वार किया मारा। जब गांव के मौजूद लोग वहाँ थे तो उन्होंने छुड़वा दिया और मौजूद लोगों ने कहा भी हम गांव में समझाइश करेंगे, ऐसे करके हम घर चले गए और इसने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा भी लगाया और आज मारपीट। ठीक है, उसमें वो आगे भी पाबंद है रिको थाने में। उसके बाद में आज ये साजिश के तहत ट्रैक्टर लेके सुबह 9 बजे घर आया, हमारा खेत अभी बरसात के पानी के सिवाय हमारी कोई ऐसी आवक नहीं है कि भी हम उस खेत को दूसरी बार खेती करें और पकाएं। हमारा बरसात का जो था हमने ले लिया, बाकी का आधा खेत में पड़ा था और मेरी माँ खेत में काम कर रही थी, 75 वर्ष की उम्र अपने हिसाब से ये काम कर रही थी, बकरियों को ऐसे ऐसे भाई खेत में नहीं चली जाए किसी के, उस कारण से वहाँ खड़ी थी। तो वह ट्रैक्टर लेके आया तो मेरी माँ ने उसको मना किया, भाई तू ये बिना उपयोगी तभी क्यों डरा रहा है, इसका यहाँ कोई उपयोग है नहीं, होगा तो कोई थोड़ा बहुत बकरी भी खाएगी, तो ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो इतना बोलते ही वो आया, उसकी स्त्री और रेवाराम दोनों, बाली देवी और रेवाराम दोनों आए, मेरी माँ को घसीट के ले गए। तब मेरी माँ ने रड़े की, मैंने घर में खड़ा था, घर से मैं भागा, उतने में उन्होंने मारपीट करके दोनों संपूर्ण घेरा बना के वहाँ खड़े हो गए, मेरी माँ को बीच में रखा और वो उसकी स्त्री बाली देवी रेवाराम उसकी पुत्री एक छोटी और वो पूरा घेरा बना के वहाँ खड़े रहे।
जब मैंने सोचा मैं नज़दीक जाऊंगा तो मेरे को भी मारेंगे, मेरी माँ तो घेरे में बैठी है, तब मैंने नज़दीक जाना उचित नहीं समझा और पुलिस को फ़ोन किया और गांव के मौजूद लोगों को फ़ोन किया। गांव से लोग आए, पुलिस आई और अभी हम हॉस्पिटल आके एडमिट हुए हैं। पहले इलाज करवाएंगे, बाद में मुकदमा करेंगे। बिल्कुल, देखिए पूरा मामले को लेकर विवाद हुआ, जमीन को लेकर इनका जो पारिवारिक विवाद था उसको लेकर झगड़ा हुआ और बाद में अभी ये जो मामला दर्ज करवाया गया है पुलिस द्वारा, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।